बिहार बीजेपी में लोकसभा चुनाव का परिणाम सामने आने के बाद सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। खास तौर पर प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी के खिलाफ अब खुलकर कई नेताओं ने मोर्चा खोल दिया है। ताजा मामला अश्विनी चौबे का है। बक्सर से सांसद रह चुके हैं, पूर्व केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं, बड़े नेताओं में शुमार हैं वो अश्विनी चौबे। उन्होंने सम्राट चौधरी को हालांकि नाम नहीं लिया, लेकिन इशारों इशारों में कह दिया है कि आयातित लोगों से पार्टी नहीं चलेगी। इनडायरेक्ट रूप से संजय पासवान, जो कि बीजेपी के विधान पार्षद हैं, उन्होंने भी एक तरीके से बीजेपी पर या बिहार बीजेपी पर निशाना साधा है कि आपकी क्या तैयारी थी, अगर नीतीश कुमार नहीं होते तो बीजेपी शायद एक भी सीट लोकसभा में बिहार में नहीं जीत पाती। हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट संदीप पाठक जी हैं, इनसे समझने की कोशिश करेंगे कि इस खेमेबंदी के या फिर इस विरोध के क्या मायने हैं, कैसे डैमेज कंट्रोल हो सकता है, नहीं होता है तो क्या सम्राट चौधरी को इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है, या फिर मीडिया में बयान देने के लिए इन लोगों पर कोई कार्रवाई हो सकती है। चूंकि इससे पहले हरि मांझी भी जो गया से सांसद रह चुके हैं, उन्होंने भी प्रदेश नेतृत्व पर सवाल उठाया था, सम्राट चौधरी पर सवाल उठाया था। पाठक जी कैसे देख पा रहे हैं इसको? जी, बिहार भाजपा में अंदर खाने में कहें तो सब कुछ ठीक नहीं दिख रहा है, जी क्योंकि वर्तमान जो प्रदेश अध्यक्ष हैं सम्राट चौधरी, इस सम्राट चौधरी से कुछ नेताओं की नाराजगी है। जी चूंकि नाराजगी तो पहले से भी थी, लेकिन पहले कोई चुनाव का परिणाम नहीं आया था, इसलिए स्वर मुखरित नहीं हो रहे थे। जी लेकिन जब भाजपा बिहार में शिकस्त झेली, इसको शिकस्त ही कहेंगे कि 17 से अब 12 पर आ गए, जी इसको शिकस्त ही कहेंगे, और 12 में भी कुछ ऐसे सांसद हैं जो बहुत कम वोट के, 13,000 20,000 ऐसे वोट से आप जीते हैं, बिल्कुल बिल्कुल तो इस स्थिति के लिए कुछ जो नेता हैं, पहले तो दबी जुबान में सम्राट चौधरी को निशाना बना रहे थे, जिम्मेदार सम्राट चौधरी को बता रहे थे, क्योंकि उस चुनाव के तुरंत बाद हरि मांझी जो गया से 2 बार सांसद रह चुके हैं, उन्होंने तो नाम लेके सम्राट चौधरी का विरोध किया था। जी उनकी नाराजगी सम्राट चौधरी से थी कि ये अपनी जाति का वोट भाजपा की ओर ट्रांसफर नहीं करा पाए, एनडीए की ओर ट्रांसफर नहीं करा पाए, ये हेलीकॉप्टर से घूमते रहे, लेकिन इनका वोट ट्रांसफर भाजपा को नहीं हुआ। इनके कहने का तात्पर्य था कि जिस कारण से आपको भाजपा का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया, राजद से आने के बाद आपको प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया, बावजूद इसके आप वोट ट्रांसफर नहीं करा पाए, आप हेलीकॉप्टर से घूमते रह गए, लेकिन वोट आप ट्रांसफर नहीं करा पाए। अब ये जो नया मामला है, ये नया मामला कल का है, अश्विनी चौबे जो कद्दावर भाजपा के नेता हैं, और इस बार आप देखे होंगे कि टिकट कटने के बाद प्रधानमंत्री मोदी इनके पीठ पर हाथ सभा में रखे थे और इनको मनाने का प्रयास भी किया गया था। जैसे इनके बारे में खबर चल रही थी कि अश्विनी चौबे काफी पार्टी से नाराज हैं, हो सकता है ये दूसरी पार्टी में भी जा सकते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री के मुलाकात के बाद इन सब कयासों पर विराम लग गया। और कल उनका जो एक बयान आया है, हालांकि उन्होंने नाम किसी का नहीं लिया है, लेकिन उनका इशारा कहाँ था ये सब जानते हैं। इनका इशारा था कि आयातित नेता, तो भाजपा में आयातित नेता कौन है, जो बड़े लेवल के नेता हैं, तो वो सम्राट चौधरी ही हो सकते हैं। तो आयातित नेता नेता नहीं कहे, इनका जो शब्द था, आयातित माल बर्दाश्त नहीं हो करेंगे भाजपा में, अर्थात बगावत जो है, बगावत का स्वर इन्होंने बुलंद किया है ना। ये इनका कहना था कि संगठन का जो काम है, वो संगठन का काम आयातित लोग नहीं कर सकते हैं, जो
दूसरे भाजपा के जमीन से जुड़े हुए कार्यकर्ता हैं, उनको एक सूत्र में पिरोना, उनको माला की तरह तैयार करना, ये आयातित लोगों के बस की बात नहीं है। इसके लिए कोई संगठन का ही आदमी चाहिए, समर्पित भाजपा का कार्यकर्ता चाहिए। उसके बाद इशारों इशारों में संजय पासवान, जो पूर्व सांसद भी हैं, राज्यसभा सदस्य भी थे, उन्होंने भी कहा है कि आपकी तैयारी क्या थी, आप चुनाव में आया, इन्होंने पार्टी पर ही सवालिया निशान लगाया है कि आपकी तैयारी क्या थी, किस तैयारी से आप चुनाव में गए। पहले केंद्रीय पूर्व केंद्रीय मंत्री जो अश्वनी चौबे का, उस पर हम लोग फोकस करते हैं जी। अश्वनी चौबे का इतना इस तरह से भरास निकालना इशारों इशारों में सम्राट चौधरी पर, क्या अश्वनी चौबे को ये लगता है कि सम्राट चौधरी की वजह से ही उनका टिकट कटा है? एक तो ये रीजन है। दूसरी बात कि अब बोलने का क्या मतलब है जब चिड़िया चुग गई खेत, यानी कि लोकसभा चुनाव का परिणाम खराब आया। क्या 2025 में उनके इस बयान के बाद बदले जाएंगे सम्राट चौधरी? क्या लगता है, क्या बदलने के पीछे मतलब एक लॉबी काम करे कि इनको हटाया जाए? चूंकि उनका जो स्टेटमेंट है मैं देख पा रहा हूँ, उन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि हमें आयातित माल नहीं चाहिए, बल्कि अध्यक्ष के पद पर पार्टी के मूल सदस्य का होना बहुत ही जरूरी है। और चौबे जी ने एक और बात कही कि अपने दम पर चुनाव लड़े, जबकि सम्राट चौधरी कह चुके हैं कि 2025 में नीतीश बाबू के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा, चाहे बीजेपी के तमाम नेता। तो ये बड़ी बात है ना, बिहार में एनडीए की सरकार बननी चाहिए, लेकिन बीजेपी पूर्ण बहुमत के साथ अकेले अपने दम पर आए और अपने सहयोगी दलों को भी आगे बढ़ाए। ये सारी स्टेटमेंट है, हमारी मंशा है उसके लिए हर कार्यकर्ताओं को अभी से लग जाना चाहिए, मतलब एक तरह से अलर्ट कर रहे हैं और बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व को ये बताना चाह रहे हैं कि सम्राट चौधरी अब टॉलरेबल नहीं है, उनको हटाया जाए। जी बिल्कुल बिल्कुल, उनका ही नहीं, एक अच्छी खासी लॉबी जो है भाजपा में जो सम्राट चौधरी के विरुद्ध है, और ये विरुद्ध पहले से है। मैंने आपको पहले भी कहा कि ये लॉबी बहुत पहले से है, लेकिन चूंकि किसी चुनाव इनके नेतृत्व में नहीं लड़ा गया था, किसी चुनाव का परिणाम उस समय सामने नहीं आया था, इसलिए दबी जुबान से लोग बोल रहे थे, लेकिन अब तो स्वर मुखरित हो रहे हैं और भाजपा में ये अंदर खाने ये तैयारी चल रही है कि सम्राट चौधरी किसी एक पद पर ही रहेंगे। ज्यादा संभावना है कि वो उप मुख्यमंत्री के पद पर ही रहेंगे, और भाजपा अपना चुनाव को देखते हुए, 2025 के चुनाव को देखते हुए, भाजपा अपना प्रदेश अध्यक्ष न चुने, इसकी तैयारी चल रही है अंदर खाने में, जोर शोर से इसकी तैयारी चल रही है। तो एक खबर ये भी चल रही है कि शायद सम्राट चौधरी चाहते हैं कि डिप्टी सीएम का पद छोड़े और प्रदेश अध्यक्ष पर बने रहे, क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष भी ऑलमोस्ट एक मतलब बीजेपी का जो ये है सिनारियो है, जो प्रोटोकॉल है, या बीजेपी का जो क्राइटेरिया है उस तरीके से कहा जाए तो वो एक कैबिनेट मिनिस्टर से कम नहीं है, वो दर्जा भी बड़ा पद होता है प्रदेश अध्यक्ष का हो या राष्ट्रीय अध्यक्ष का हो, तो उसमें सारे नीति निर्धारित होते हैं और वो करने में अहम भूमिका रहती है। तो सम्राट चौधरी शायद चाहते हैं कि वो प्रदेश अध्यक्ष ही बना रहे, अगर छोड़ने की बात आई तो डिप्टी सीएम छोड़ दे, इसलिए चूंकि डिप्टी सीएम का क्या है, कोई संवैधानिक पद है नहीं, बल्कि वो एक मिनिस्टर है, मंत्री है जी। तो मंत्री पद पर खैर दोनों चर्चा चल रही है, क्या होता है वक्त बताएगा। जी कंटिन्यू किया जाए। जी जी, लेकिन इसमें सम्राट चौधरी चुनाव परिणाम के बाद, सम्राट चौधरी प्रदेश अध्यक्ष के लिए जो इनकी दावेदारी है वो उतनी मजबूत अभी नहीं दिख रही है। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, लोकसभा चुनाव के रिजल्ट के बाद इनकी दावेदारी प्रदेश अध्यक्ष के लिए उतनी मजबूत नहीं दिख रही है, इसलिए इनके जो विरोधी हैं, जो भाजपा का दूसरा खेमा है, वो चाहता है कि इस जगह पर किसी दूसरे को बिठाया जाए। जी तो कह रहे थे हम आपको, संजय पासवान की चर्चा कर रहे थे, तो संजय पासवान भी ये बोल दिए हैं कि भाई आपकी तैयारी कुछ नहीं थी,
आप नीतीश कुमार नहीं रहते तो आप जीरो पर आउट हो जाते। ऐसी स्थिति में अब भाजपा में अंदर खाने मंथन का दौर चल रहा है और निकट भविष्य में भाजपा मूल चूल परिवर्तन की ओर आगे बढ़े तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं होगा आशुतोष जी। नहीं बिल्कुल, बड़े नेता हैं, विधान पार्षद हैं, संजय पासवान जी सांसद भी रह चुके हैं, उन्होंने इस तरह की बात कही है, तो कहीं ना कहीं प्रदेश नेतृत्व पर भी सवाल उठाया उन्होंने और शीर्ष नेतृत्व पर भी, और डायरेक्टली इनडायरेक्टली मोदी जी की लोकप्रियता पर भी, कि मोदी जी शायद अब उतने लोकप्रिय नहीं रहे हैं बिहार में, बिहार के नजरिए से देखा जाए तभी ये परिणाम आया, और नीतीश कुमार नहीं होते तो जीरो पर आउट हो जाती बीजेपी। ये बड़ा बयान है, अब इसको कैसे कौन लेता है, यही नहीं, अरुण कुमार भी वहां पर थे तो अरुण कुमार ने भी अपनी ताकत दिखाई है ऐसा उन्होंने कहा है, यानी अरुण कुमार को भी लेके चलना चाहिए था, भूमियारों के बड़े नेता है ऐसा भी कहना चाह रहे संजय पासवान, और जातियों को संगठित करने पर विचार करना चाहिए, यानी घूम फिर कर जातीय जो गोलबंदी है उसी पर फोकस करना होगा, ये संजय पासवान जी का कहना है। तो दो तीन चीजें निकल के आ रही है, एक तो ये कि बीजेपी के बिहार बीजेपी ने में भारी अंतर कलह की बात हम कह सकते हैं, इसके अलावा लोकसभा चुनाव में अपेक्षाकृत सफलता नहीं मिलने पर जो ठीकरा फोड़ने की जो बात है वो एक दूसरे पर फोड़ने की कवायद चल रही है, और 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में नीतीश के नेतृत्व पर भी ये दोनों का बयान ये कह रहा है, एक तरफ सपोर्ट किया जा रहा है और सोनी चौबे चाह रहे हैं कि बीजेपी अपने दम पर चुनाव लड़े, तो ये देखते हैं कि कैसे इसको बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व तो कैसे इसको इस डैमेज को कंट्रोल करते हैं, और कैसे जो बीजेपी अनुशासन के लिए जानी जाती है कि अनुशासन सबसे ज्यादा इस पार्टी में है, उसमें इस तरह की बयानबाजी को भी शीर्ष नेतृत्व तो कैसे टैकल करता है, ये भी देखने वाली बात हो रही। बहुत बहुत धन्यवाद पाठक जी। जी जी धन्यवाद।